तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल साइंस। आपको एलई यानी लाइटनिंग के बारे में तो पता ही होगा, जैसे कि आपने सबस्टेशन में लगा हुआ देखा ही होगा। ओके, क्या आपको एलई को टावर पे लगा हुआ देखा है, हमारे ट्रांसमिशन लाइन के टावरों पे लगा हुआ देखा है? अगर आपने नहीं देखा तो आज हम जानेंगे टावर एलई के बारे में। ओके, इन्हें क्यों लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं और कैसे लगाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, एक बड़ा पावर फेलियर क्या कर सकता है ना, कॉज कर सकता है, एक बड़ा पावर फेलियर कैन कॉज अ सीरियस फाइनेंशियल डैमेज। एक बड़ा पावर फेलियर ना हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल डैमेज दे सकती है। ओके, लाइटनिंग फ्लैश ओवर्स अ मेजर प्रॉब्लम फॉर मैनी यूटिलिटी ओनर्स विद ओके, जो लाइटनिंग फ्लैश ओवर्स होते हैं ना, ये बहुत ही बड़ी बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है ओके हमारे यूटिलिटी ओनर्स के लिए। ओके, चलिए अब आगे मैं आपको टावर एलई के बारे में बताता हूँ। बेसिकली माउंटेन जैसी जगहों पर जो टावर फुटिंग रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है, एंड जो टावर भी होता है ना वो काफ़ी हाई होता है। देन जब लाइटनिंग अकर्स होती है तब वो ग्राउंड वायर से होकर टावर से अर्थ को जाती है, देन तब जो वोल्टेज डेवलप होता है क्रॉस आर्म के ऊपर। अब क्योंकि जो क्रॉस आर्म है वो जीरो पोटेंशियल पे है, जो वो हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होता है उस जगह पे वो बैक फ्लैश ओवर कराता है और हमारे इंसुलेटर्स को भी डैमेज करता है, और वही लाइटनिंग आगे जाके हमारे सर्किट ब्रेकर, हमारे ट्रांसफार्मर और हमारे और भी अदर इक्विपमेंट्स को डैमेज करती है। इसीलिए हम जो लाइन्स होती है हमारी ट्रांसमिशन लाइन में, जो टावर्स होते हैं उनके पैरेलली में ही, उसी लाइन में पैरेलली में ही, उस लाइन के इंसुलेटर में पैरेलली ही एक एलए प्लेस करते हैं ओके, जो उन्हें प्रोटेक्ट करता है किसे, बैक फ्लैश ओवर से। ठीक है, तो चलिए आगे हम आपको इस वीडियो में भी एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, जब लाइटनिंग अगर हमारे लो हिली एरियाज टावर्स में होती है तब वो ग्राउंड होके हो जाएगी, और जब वही लाइटनिंग हाई एरिया वाले टावर में होगी तो वो ग्राउंड ना हो के बैक फ्लैश ओवर करा के लाइन में आगे बढ़ते हुए पावर इंटरप्शन कराएगी ओके, और हमारे इक्विपमेंट्स को डैमेज भी कर सकती है, जिससे हमारे ओनर्स को, हमारे यूटिलिटी ओनर्स को प्रॉब्लम होती है। ऐसा सोल्यूशन ये है कि टावर पे एलए लगाएं जो बेसिकली लाइन के हर फेज में पैरेलली कनेक्टेड होगा। ठीक है, अब जब देखिए, मान लीजिए लाइटनिंग अकर्स होती है, अब जब मान लीजिए लाइटनिंग अकर्स होती है तब वो लाइटनिंग अरेस्टर, सॉरी वही लाइटनिंग नियरेस्ट टावर के एलए से होते हुए ग्राउंड हो जाएगी, देन जिससे कि बहुत ही कम चांसेस होंगे पावर इंटरप्शन के। ठीक है, अब यही जो हमारा जो ये बेसिकली एक प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है, हाई लाइटनिंग को रोकने का। ठीक है, ये एक प्रोटेक्शन डिवाइस है, ठीक है, आपको पता ही है। ठीक है, मैंने कुछ कनेक्शन दिखाए, जैसे ये हमारा ये है, ठीक है, ये बेसिकली कनेक्शन है हमारा एलए का, सॉरी हमारे स्टार जनरेटर का, जो लाइन में हैंगिंग सिचुएशन में लगा है, और ठीक है, और ये अगला है जो लाइन के टावर के क्रॉस आर्म में लगा हुआ है। ठीक है, और हमारा ये लास्ट वाला जो है ये बेसिकली जो हमारे इंसुलेटर लगे उनके पैरेलली में लगा हुआ। अब आपने देखा होगा उसी वीडियो में, वो एक ऑरेंज कलर का वायर आपने देखा होगा, वो बेसिकली डिस्कनेक्टिंग वायर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक डिस्कनेक्टिंग डिवाइस है, ठीक है, वो डिस्कनेक्टिंग डिवाइस का काम ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा फ्लैश ओवर हुआ, जैसे सर्जेस आए उनको ग्राउंड किया, तो हमारा जो अरेस्टर होता है ना वो डैमेज हुआ था। ठीक है, अब उस कंडीशन में उस डैमेज अरेस्टर को हम यूज़ नहीं कर सकते, तो ये डिस्कनेक्टिंग डिवाइस ना और वो डिस्कनेक्टिंग वायर डिस्कनेक्ट हो जाता है उस सिचुएशन में, देन कि हम उसका मेंटेनेंस कर सकें, उसको देख सकें और हमारे इंजीनियर्स को हेल्प मिल सके उसको रिप्लेस करने में और उसको यूज़ करने में। ठीक है, तो इतना मैंने आपको बताया आज, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है अपने टेक्निकल फ्रेंड्स, अपने टेक्निकल ग्रुप्स और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।